जय माम्बे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है किरण और लोधी रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं अपने नए सुविचार के साथ अपने नए रेसिपी की शुरुआत करती हूँ कि विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं नींबू का चटपटा अचार बनाने जा रही हूँ और नींबू का चटपटा अचार तो आप लोगों को बहुत ही पसंद होगा। और तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि नींबू का अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 16-17 मीडियम साइज के नींबू लिए हैं और इसके छिलके भी ज़्यादा मोटे नहीं हैं, पतले साइज के हैं। तो मैं इसे 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दी थी और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से धोकर और सूती कपड़े में, साफ स्वच्छ कपड़े में इसे अच्छे से पोंछ कर और इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक 1 कटोरी से थोड़ा कम, और ये है सरसों का तेल, इसे मैंने थोड़ा सा 15 मिनट के लिए गर्म करके और अच्छी तरह से इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये मेरा तेल बिल्कुल ठंडा है, हमें बिल्कुल ठंडे तेल का इस्तेमाल करना है। नींबू के अचार में डालने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे ये कुटी हुई लाल तीखी मिर्च है, ये काली मिर्च के कुछ दाने हैं, और ये लौंग है, लौंग के भी कुछ दाने हैं, और ये है हल्दी पाउडर, ये है अजवाइन 2 चम्मच, ये है भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा मैंने इसे कूट लिया है, और ये है भुनी हुई मेथी, इसे भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, ज़्यादा महीन हमें इसे नहीं करना है, और ये है अचार का मसाला और ये है हींग। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अचार बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं काली मिर्च, लौंग और अजवाइन, इसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा इन्हें रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर थोड़े से चेंज करना है ताकि हमारे मसाले अच्छे से तैयार हो जाए। स्वाद आता है इसको थोड़ा सा रोस्ट कर देने में, तो मैं थोड़ा सा इनको रोस्ट करके और फिर मैं नींबू के अचार को बनाती हूँ। फ्रेंड्स, गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम किया है मैंने। तो इसमें मैं काली मिर्च डाल देती हूँ और इसी में मैं लौंग भी डाल देती हूँ और इसमें अजवाइन को भी हमने डाल दिया। अब इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। रोस्ट किए हुए मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अचार में, और नींबू तो वैसे भी सारे गुणों से भरपूर होता है और नींबू हमारी सेहत को भी बहुत अच्छा रखता है। गर्मी के सीजन में हम इसका अगर डेली सेवन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर हम इसके अचार का सेवन करेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखेगा। तो बस हम जब भी हमारा दिल करे तो हम बहुत ही जल्दी इसको बहुत ही कम सामान में तैयार कर सकते हैं। सारे मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे एक प्लेट पर निकाल देती हूँ, और इसे हमें ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस हल्का हमें इसे दरदरा ही पीसना है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपने मसालों को, अजवाइन, काली मिर्च और लौंग को इस तरह से मैंने कूट लिया है और अब मैं इसका अचार में इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए मैं अपने नींबू को काट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए नींबू को हम छोटे साइज में कट कर लेते हैं, और नींबू कई गुणों से भरपूर होता है और नींबू का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नींबू में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, और गर्मी के सीजन में हमें इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, इससे हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। और नींबू का अचार 2 प्रकार से भी बनाया जा सकता है, इसे मीठे प्रकार से भी बना सकते हैं और हम चटपटा भी बना सकते हैं। तो आपको जिस तरह से आपको पसंद हो आप बनाइए और इसका सेवन कीजिए। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं, आप अपने मनचाहे आकार में इसे कट कर लीजिएगा। ये मेरा मीडियम साइज का नींबू है, तो मैं इसे बस 2 टुकड़ों में हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से, और अगर आपको ज़्यादा छोटा भी करना है तो आप एक पीस इसको और कट कर लीजिए। और इसके जो दाने हैं तो हम इसे अलग कर देंगे और उसके बाद में निकाल लेंगे। जो थोड़ी बहुत दाने हैं तो वो कोई बात नहीं, हम जब अचार का सेवन करेंगे तो वो अपने आप ही निकल जाते हैं, और जो दाने हमारे हैं तो हम उसे किनारे करते जाएंगे, और बस इस तरह से हम कट लगा कर नींबू के पीसेस तैयार करेंगे। नींबू का अचार भूख भी बढ़ाता है, और इसे हम चाहे तो तेल के साथ भी रख सकते हैं बनाकर, और इसे हम इस तरह सादा भी बनाकर रख सकते हैं, दोनों प्रकार से अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं आज तेल के साथ इसका मसाला बनाकर तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे नींबू को कट कर लेंगे और फिर
उसके बाद हम इसका मसाले के साथ अचार तैयार करेंगे। तो मैं थोड़ी छोटे साइज में इसको कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे इस तरह से दो साइज में भी कट कर सकते हैं। और इसके दाने बस निकालते जाएंगे, इस तरह कट करते जाएंगे और दानों को निकालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे नींबू को कट कर लिया है और देखिए इसमें इतने दाने निकले हैं। तो दानों को हम किनारे कर देते हैं और अब हम अपने नींबू का अचार बनाकर तैयार करते हैं। नींबू का अचार इतना सरल होता है दोस्तों बनाना कि आप लोग आराम से बना सकते हैं। आप अगर कोई मसाला मिक्स ना भी करना चाहें और हल्दी और नमक बस डालकर इसको आप रख देंगे एक डिब्बे में, तो तब भी आपका अचार अच्छा बनेगा। और अगर हम इसे थोड़े से मसालों के साथ इसका टेस्ट बढ़ाना चाहें तो बहुत ही अच्छा अचार बनकर तैयार होता है। और नींबू का अचार हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गर्मी के सीज़न में हम बाहर निकलते हैं तो नींबू और पानी पीकर निकलते हैं। अगर हमारे पास ताज़ा नींबू नहीं है तो हम एक या दो कली नींबू के अचार की खाकर और पानी पीकर भी बाहर निकल सकते हैं। इससे हमें नुकसान नहीं होगा धूप से और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो चलिए अब हम एक सूखे बर्तन में इसे डालकर और मसाले ऐड करते हैं। तो नींबू का अचार हम एक बर्तन लिए हैं, ये बर्तन को मैंने अच्छी तरह से धोकर और धूप में थोड़ा सा रख दिया ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। और इसमें मैं अब नींबू डालूंगी। और नींबू में हमारे दोस्त इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि पानी रहने से हमारा अचार बिगड़ सकता है। तो हम जितने भी बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं और चम्मच का, ये हमारे सब बिल्कुल सूखे होने चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो हमारा अचार अच्छा बनेगा। तो चलिए अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। जैसे ये है मेथी पाउडर, इसे मैंने हल्का सा भून कर और इसे कूट लिया है, ज़्यादा हमें इसे महीन नहीं करना है। तो मैंने इसमें एक चम्मच मेथी पाउडर ऐड किया है। और ये है भुना हुआ जीरा, इसे भी मैंने हल्का सा रोस्ट करके और इसे भी हल्का कूट लिया है। तो मैं जीरा पाउडर ज़्यादा नहीं, बस एक चम्मच ऐड करूँगी। और आप जब ज़्यादा मात्रा में अचार डालेंगे दोस्तों तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं मसालों की। तो और ये है हमारा लौंग, काली मिर्च और अजवाइन, तो इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नींबू के अचार में। और अजवाइन तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और नींबू और अजवाइन ये दोनों हमारे सेहत को बहुत ही अच्छा रखते हैं, तो हम इसे इसीलिए इसमें मिलाते हैं। और ये है तीखी लाल मिर्च, आप तीखा अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारी ज़्यादा तीखी लाल मिर्च है इसलिए मैं इसमें दो चम्मच ही ऐड करूँगी। और ये है हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर को मैंने रोस्ट नहीं किया है, इसे मैं इसी तरह डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा नींबू में रस रहता है, खट्टापन रहता है, तो ये ऑलरेडी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है हल्दी, इसमें कोई भी कच्चापन नहीं रहता है। तो मैंने ये दो चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। और ये है अचार का मसाला, ये मार्केट से मैंने ख़रीदा है और इसे मैं कटोरी, छोटी कटोरी में ले रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो इसे ना भी डालें तब भी हमारा अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैंने इसे भी मिक्स किया है ताकि हमारा अचार थोड़ी कुछ ज़्यादा अच्छा दिखे। और यह है लास्ट में हींग, तो हींग को भी हम आधी चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना मैंने हींग का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। इसे भी डाल देती हूँ और पहले हम अपने मसालों को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इस तरह से हम सारे मसालों को पहले नींबू में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह भी आप सूखा मसाला इसमें लगाकर और एक डिब्बे में या टाइट डिब्बे में भरकर रख सकते हैं, आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैं इसे सरसों के तेल के साथ मिक्स करके और बना रही हूँ, क्योंकि इसको मैं सरसों के तेल के साथ बनाती हूँ तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और हम इसको साल, दो साल, तीन साल तक बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और नींबू का अचार तो जितना भी पुराना होता है उतना ही ये गुणों से भरपूर होता है। तो नींबू का अचार हमारे पास जितना भी पुराना हो वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम अगर सही तरीके से इसे रखेंगे तो हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और हम इसका अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। लेमन हमारा तो खट्टा होता ही है फ्रेंड्स, आप तो अच्छे से जानते हैं। तो लेमन में हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा ज़्यादा भी तो इसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा और बिल्कुल भी हमें इसका ज़्यादा नमक का पता नहीं चलेगा। तो मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट 3.5 चम्मच मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है।
अगर आप चाहें तो सादा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा, मगर ब्लैक सॉल्ट से टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है। और ये है सरसों का तेल, हमारा बिल्कुल ठंडा है, तो इसे मैं चम्मच में डालकर, बड़ी चम्मच से इसे मैं डालूंगी। मैंने 6 चम्मच इसमें तेल डाला है फ्रेंड्स। अभी मैं इसे मिक्स करूंगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें अभी इसमें कितना तेल की आवश्यकता है। तो अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। नींबू का अचार हमारे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, हमारे घर में सभी को बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं इसे हमेशा बनाकर रखती हूँ। और आप इसे डेली सेवन कीजिए, आपकी भूख भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। हमारी बहुत सी बहनें कहती हैं कि इसे धूप में भी रखना चाहिए, मगर मैं अपने अचार को बिल्कुल भी धूप में नहीं रखती हूँ, और मैं साल 2 साल मेरा अचार बिल्कुल अच्छा रहता है, और मैं नींबू के अचार में बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाती हूँ, तब भी हमारा अचार बहुत ही अच्छा रहा होता है। तो बस मैं इसी तरह से, जिस तरह से मैं अभी बना रही हूँ, बस मैं इसी तरीके से अचार को बनाती हूँ और एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लेती हूँ। बस हमें थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है कि अचार बनाते समय हमें हर चीज़ जितना भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे साफ़ स्वच्छ कपड़े से और साफ़ बर्तन होना चाहिए। हमारा डिब्बा भी अच्छी तरह से हम इसे हल्के गुनगुने पानी में धोकर अच्छे से सुखाकर और फिर इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का हम ध्यान में रख कर अपने अचार को साल 2 साल के लिए रेडी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर दिया है पूरे मसाले को, अब हम इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लेते हैं। तो बस मैं इस तरह से एक एयर टाइट डिब्बे में मैंने इसे अच्छे से बॉयल पानी में मतलब गर्म करके और इसको अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया है, साफ है मैं हमारा ये डिब्बा बिल्कुल, और मैं इसमें अचार को भर लेती हूँ। आप जब भी अचार रखिए, एक अच्छे जिसका ढक्कन अच्छा बिल्कुल टाइट हो उसी में आप रखिएगा, तो आपका अचार अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज आपको मेरा ये अचार की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़ दोस्तों। और मैं जल्दी इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के पास लेकर आती रहूँगी। और अगर मुझे मीठा अचार भी अभी डालना है तो कुछ समय बाद मैं अभी नींबू का मीठा अचार का भी रेसिपी लेकर आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे 16-17 जो नींबू रहे हैं, मेरा एक छोटा सा डिब्बा है जो उसमें मेरा अचार कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से मैं एयर टाइट डिब्बे में इसे भर कर रख ली हूँ, और इसे मैं धूप में भी नहीं रखूँगी, तब भी हमारा अचार बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैं 1 साल पहले इस तरह से मैंने नींबू का अचार डाला है, और ये 1 साल पहले मैंने इसको डाला है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा अचार कितना ही अच्छा है अभी तक। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा अचार निकाल कर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और ये मैं इसमें को धूप में बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ, और देखिए हमारा अचार बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें बिल्कुल भी कोई ख़राबी नहीं आई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी हमारा अचार कहीं से भी कोई इसमें वो नहीं दिख रहा है, और हम डेली इस्तेमाल इसका करते हैं और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नींबू के अचार को थोड़ा सा सरसों के तेल के साथ इस तरह मिक्स करके बनाएंगे तो आपका अचार 2 साल 3 साल तक बहुत अच्छे से रहेगा, और आप इसका डेली सेवन कीजिएगा, आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके जायके को भी बढ़ाएगा, भोजन को भी बहुत ही अच्छा रखेगा। तो आप इस तरह से आप नींबू का अचार डालिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और जल्दी मिलती हूँ मैं अपने नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहें। तब तक के लिए बाय बाय।